नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। महंत भगवत विशाल इंटर कॉलेज का दौरा जनपद जालौन में चाक चौबंद तैयारियों के साथ शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाएं आज दिनांक 28 अक्टूबर 2024 में दिन सोमवार से शासन एवं विभाग के निर्देश अनुसार शैक्षणिक पंचांग के व्यवस्थित क्रम में अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरी व्यवस्थाओं के साथ सुचारू रूप से सम्पन्न हो रही है, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य विकास कुमार सिंह एवं परीक्षा प्रभारी द्वारा बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, जैसे कि कक्ष निरीक्षक, सचल दल प्रभारी, अवमोचक, अवार्ड ब्लैंक प्रभारी, बाह्य सचल दल, उड़न दस्ता एवं मानचित्र के अनुसार बैठे व्यवस्थाएं बनाकर विद्यालय के मुख्य द्वार पर सभी छात्र छात्राओं की तसल्ली लेकर परीक्षा कक्ष में भेजा गया। किसी भी छात्र छात्राओं के पास अनुचित साधन की सामग्री नहीं मिली। यदि किसी छात्र छात्राओं के पास अनुचित साधन की सामग्री पाई जाती है तो नकल अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध मानते हुए वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शांतिपूर्ण ढंग से सभी परीक्षार्थी परीक्षा में संलग्न हुए और अपनी पूर्ण तैयारी के साथ उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर देने और शांतिपूर्ण ढंग से अगले पेपर की तैयारी करने के लिए घर के लिए प्रस्थान किया। परीक्षा व्यवस्था में केंद्र व्यवस्थापक विकास कुमार सिंह, बोर्ड परीक्षा प्रभारी अनीश वेग, मनीष कुमार गृह परीक्षा प्रभारी, पृथ्वी पाल अहिरवार, मनोज कुमार वर्मा बालिका वर्ग की मुख्य शासन अधिकारी, अंजलि गुप्ता, कृष्ण कुमार, नीलेश कुमार, अमित कुमार, योगेश कुमार, राकेश कुमार, विवेक कुमार, ब्रजेश कुमार, भगवान दीन, मोहित कुमार, योगेंद्र कुमार, अर्जुन कुमार, राजेश कुमार, राधा कृष्ण, मानिक राम पेठा, जगदीश आदि शिक्षक, शिक्षिकाएं, कर्मचारी एवं रसोईया उपस्थित रहे। बुंदेलखंड झांसी से लालता प्रसाद सलोनिया की रिपोर्ट। जब तलाश करेंगे तभी सुधार होगा, है ना भाई। हमको कोई चीज नहीं आती है, जब उसको पढ़ेंगे, उसमें प्रयास करेंगे तभी तो आएगा। तो पहले तो हम अपनी कमियां देखें, कमियों के बाद उसको सुधार करें, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो आज कमियां सुधरेंगी कैसे, उसके लिए लाइनें बढ़ाते हैं आगे कि भूल गए नहीं, लम्हे तो गुजर गए, जो गुजर गया उसको भूल जाइए, प्रेजेंट को देखिए, देखिए पास्ट को भूल जाइए, पास्ट मतलब भूतकाल को भूल जाइए, वर्तमान को अच्छे से संवारिए, भविष्य अपने आप संवर जाएगा। भविष्य की चिंता मत करिए कि हम अगले साल अगले क्लास में टॉप करेंगे, वो तो जब वहां पहुंचेंगे तब वहां सोचिए। अभी तो जिस क्लास में जहां पर हो वर्तमान को देखिए, वर्तमान को अच्छा बनाइए, भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। और अगर वर्तमान ही खराब कर लिया तो भविष्य कभी अच्छा नहीं हो सकता है। भूतकाल को बिल्कुल भूल जाइए, उसको भूत, भूत का मतलब खत्म, नाश। तो पंक्तियां ये थी प्रसिद्ध कवि इस देश के, इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरवंश राय बच्चन, श्री हरवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मेहनत उनकी कभी बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत उनकी बेकार नहीं होती, और चींटी एक दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है, फिर भी वो कभी हार नहीं मानती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ठीक है, और इसी में है कि वो जैसे अभी योगेश जी को नहीं याद आ रही थी, ऐसे मुझे भी नहीं याद आ रही कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। और मैं तो देखिए नहीं आती तो मैं उसमें अपनी बना के जोड़ देता हूँ, तो अब मुझे नहीं आ रही है, मैं जोड़ देता हूँ। कैसे जोड़ देता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों की डर से नौका पार नहीं होती। और कौन कहता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम बढ़ तो सकते हैं लेकिन पढ़ने के लिए कोई कतार नहीं होती। जोड़ दी लाइन। तो पढ़ने के लिए कोई कतार की आवश्यकता नहीं है, अकेले बढ़िए, कदम से कदम बढ़ाते जाइए। तो कहना कुछ और था, भूल गया। तो अच्छा, आप लोगों से मैंने परसों एक गुजारिश
एक अनुरोध, एक निवेदन, एक प्रार्थना, तमाम जो है ना जितने शब्द बने थे वो किया था सभी क्लासों में जा करके। तो हो सकता है सभी ने समझ गए होंगे मेरी बात। तो उस आदेश, निर्देश, अनुरोध को स्वीकार किया होगा और तैयारी के साथ आए होंगे। और सभी अवगत हैं कि लगभग 2 दिवस बाद ये जो हमारा सबसे बड़ा हिंदू धर्म का त्योहार है वो दीपावली, इसको हिंदू क्या सभी पूरे भारत देशवासी मनाते हैं, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, वो मनाते हैं। दिवाली को जो है ना रोशनी है, प्रकाश का त्योहार माना जाता है। और इससे जो है ना प्रकाश से एक सबक लें कि हम सब अभी अंधेरे में हैं, तो दीपावली को हम सब प्रकाशमान हो जाएंगे। और इसी तरीके से हम लगे रहे अपने कर्तव्य और दायित्वों पर तो निश्चित हम एक दिन कीर्तिमान हो जाएंगे। तो कल दिवाली है, मैं दिवाली से 2 दिन पूर्व संध्या पर सभी अभी बालक आएंगे उनसे भी कहूंगा, आप लोगों से कहते हैं कल पेपर है आपका, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जो है ना, कल मैंने नैतिक खेल का वो रखा है परीक्षा, तो बहुत से बच्चे बच्चियां नैतिक खेल को बिल्कुल अनैतिक समझते हैं, नैतिक को अनैतिक समझते हैं। और उस परीक्षा इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।